हे मन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। अपरिपक्व आयु में तुम्हें एक छलिये ने छला तथा परिणाम स्वरूप तुमने अपनी स्वतंत्रता गवा दी। तुमने निष्कर्ष निकाल लिया है कि प्रमाणिक संप्रदाय दोषपूर्ण है, इसलिए तुम स्वयं को उस कलमश से शुद्ध करना चाहते हो। तुम तिलक एवं तुलसी माला धारण नहीं करते। तुम दीक्षा के पश्चात पालन करने योग्य अनुशासन में नहीं बंधना चाहते, इसलिए तुमने सब निर्मित धर्म की खोज कर ली है। अनादिकाल से स्वीकृत सिद्धांत को तुमने अस्वीकार करते हुए स्वयं को परम भगवान का अवतार समझकर मनगढ़ंत विचारों का प्रचार किया। तुमने किसी भी व्रत का पालन नहीं किया, अपितु तुमने स्वीकार्य मार्ग को भी जल में तिलांजलि दे दी, क्योंकि तुमने भगवत भक्तों को मिथ्या समझा। क्योंकि अनेक धूर्त चतुराई से तिलक लगा लेते हैं एवं माला धारण कर दीक्षा प्राप्त करते हैं, यह देखकर तुमने कृष्ण भावना अमृत में अपनी श्रद्धा त्याग दी। तुमने महाजनों द्वारा वर्णीय पथ पर दोष ढूंढे तथा क्रोधित होकर भक्ति मार्ग से अनुराग त्याग दिया। अब देखो हे भाई, तुमने स्वर्ण के स्थान पर राख को थामा। तुमने इस जीवन तथा मृत्युपरांत जीवन दोनों को बर्बाद कर दिया। सभी कपटी कहकर तुम्हारी गवेषणा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुमने भक्ति प्राप्त नहीं की, अतः मृत्यु के पश्चात क्या होगा। Mm-hmm.